सनावद खरगोन हाईवे पर ग्राम बड़ूद और सत्ताजना के बीच प्रस्तावित टोल वसूली नाके का मामला एक बार फिर गर्मा गया। टोल नाका शुरू होने की खबर फैलते ही क्षेत्र के सैकड़ों वाहन चालक टोल नाके पर एकत्रित हो गए और जमकर नारेबाजी की। इस कारण हाईवे पर कुछ देर तक यातायात प्रभावित हुआ। वाहन चालकों ने कहा कि टोल नाके को यहाँ किसी भी कीमत पर नहीं लगने दिया जाएगा। इस दौरान विधायक सचिन बिरला ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाइश दी। चक्का जाम की खबर मिलते ही विधायक सचिन बिरला टोल नाके पर पहुंचे और वाहन चालकों से बात की। विधायक ने टोल कर्मियों तथा एमपीआरडीसी के वरिष्ठ अधिकारी जैन से चर्चा की। विधायक ने भी कहा कि इस समस्या का जब तक ठोस निराकरण नहीं हो जाता तब तक टोल वसूली नहीं की जाएगी। विधायक ने कहा कि टोल नाके के ठेकेदार एमपीआरडीसी के अधिकारी और स्थानीय वाहन चालकों व जनप्रतिनिधियों की एक समिति बनाई जाएगी। ये समिति विचार विमर्श कर समस्या का सर्वमान्य हल निकालेगी। इसलिए आगामी 1 अगस्त तक टोल वसूली स्थगित की जाए, इसलिए अब 1 अगस्त तक टोल वसूली नहीं की जाएगी। विधायक ने टोल कर्मियों व एमपीआरडीसी के अधिकारी को सुझाव दिया कि इस टोल नाके को अंबा और रोडिया के बीच स्थापित करना सभी के हित में है। ऐसा करने से समस्या का स्थायी निदान हो जाएगा और टोल कर्मियों तथा स्थानीय वाहन चालकों के टकराव को भी रोका जा सकेगा। ये रोड पर टोल लगाने का निर्णय लिया है। निर्णय लेते हुए आरएसआई स्टोन वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड को ये टेंडर गया जिसमें 2,92,00,000 रुपए प्रतिवर्ष सरकार को ठेकेदार को देना है। 5,60,000 रुपए प्रति सप्ताह खर्चे सहित करीबन प्रतिदिन 1,00,000 रुपया भरना है, जो इस रोड पर इतना आवागमन नहीं है। उसके बाद विश्व स्तरीय यहाँ पर मंडी है, बेड़िया हमारी प्रसिद्ध मंडी है। मंडी के आजू बाजू जहाँ पर टोल लग रहा है 10 किलोमीटर की परिधि में 5 बड़े बड़े कोल्ड स्टोर हैं, जहाँ किसान अपनी उपज रखते हैं, जहाँ छोटे मोटे व्यापारी अपनी उपज रखते हैं। और सनावत शहर पास में होने के कारण प्रतिदिन छोटे छोटे वाहन जो 500 रुपये किराया लेकर जाते हैं, किराए में सनावत तक आते हैं, वो अगर 150 रुपया 200 रुपया टैक्स देंगे तो घर लेकर क्या जाएंगे? उनकी उनके रोजगार पर, रोजी रोटी पर टोल बिठा दिया है एमपीआरडीसी ने। उसी बाबत आज बहुत सारे किसान, छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे वाहन मालिक जो प्रतिदिन व्यवसाय करके अपनी रोजी रोटी, अपना जीवन यापन करते हैं, वो लोग आज करीबन 1,000 की उपस्थिति उनकी यहाँ पर थी। और टोल के नियमों को नजरअंदाज करते हुए, जैसे सभी लोग चाहते हैं कि ये टोल सेंटर में होना चाहिए, 0 पॉइंट माना है सनावत को, 0 से 66 किलोमीटर खरगोन, तो सभी का कहना है कि 33-30 किलोमीटर के आसपास है सनावत से, 30 किलोमीटर दूर, 25 किलोमीटर दूर भी लग जाएगा तो सभी को सुविधा होगी। और अधिकांश बड़े वाहन एनटीपीसी यहाँ पर होने के कारण, उद्योग, बड़ा उद्योग होने के कारण जो राख के बलकर जाते हैं वो खरगोन की तरफ ज्यादा जाते हैं। अगर यही टोल बेड़िया के बाद लगे, अंबा से गोगावा के बीच में कहीं पर भी लग जाए, तो मैं समझता हूँ कि प्रतिदिन को 1,50,000 रुपये वहाँ से उपलब्ध होंगे। वहाँ से इतना इन लोगों का व्यवसाय हो जाएगा जिससे ये सरकार की किस्त भी भर पाएंगे। बिना सोचे समझे कहीं पर भी टोल टैक्स खड़ा कर देना, ये ठेकेदार के विवेक के ऊपर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा है। हम सभी लोग चाहते हैं कि अंबा से गोगांव के बीच टोल लगे, और 15 किलोमीटर की जो अवधि है, परिधि है, सनावत से बेड़िया 17 किलोमीटर, मंडी बड़ी है, एनटीपीसी का बड़ा कारखाना है। बड़वाहा से वाजिद खान की रिपोर्ट।